वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम सीखेंगे आलू वाली नान कैसे बनाते हैं। बेसिकली वैसे तो नान बनाने के लिए हमें तंदूर चाहिए होता है, लेकिन जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है तवा पे आप कैसे बना सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ आपको। पहले आपको चाहिए होंगे बॉइल्ड आलू मैश किए हुए, और आपको चाहिए लहसुन, अदरक, ऑनियन, कटी हुई बारीक मिर्च, वेजिटेबल्स आप पालक यूज़ कर सकते हैं, धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। और मसालों में आपको चाहिए होगी जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। अगर आप और कोई मसाला ऐड करना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। गूंदा हुआ मैदा आपको चाहिए होगा, जिसमें जो कि आपको बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा में गूंद लेना है ताकि वो फूल जाए। और आपको चाहिए होगा रिफाइंड ऑयल, या फिर आप बटर, घी या फिर सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें मैश्ड आलू में मिक्स करना है सारा मिक्सचर्स। अब मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी सी कटी हुई लहसुन, ठीक है, थोड़ी सी आप इसमें हल्दी डाल लीजिए, थोड़ी सी मिर्चा, जीरा अच्छा टेस्ट देता है इसलिए मैं डाल रही हूँ, आपकी मर्जी है, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटी हुई प्याज, कटी हुई मिर्ची और धनिया पत्ता या पालक पत्ता अपने अकॉर्डिंग। मैं पालक पत्ता यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं पालक पत्ते। आपने ये सारा जो है मिक्स कर लेना है अच्छे से, देखिए बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए ये, तभी आपकी नान अच्छी और फ्लफी बनेगी, ठीक है। हमारे आलू बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, घी गर्म करने के लिए रख देना है तवे पे। मैं एक चम्मच यूज कर रही हूँ, ये हमने रख दिया। जब तक ये सीखता है तब तक हम मैदे का पेड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसे बेलना है। हमने ले लिया है, हल्का से इसे बेल लीजिए और इसे हमें स्टफिंग करनी है, ठीक है। अब हम इसमें आलू फिल करेंगे। आपको जितना ज्यादा फ्लफी चाहिए उतना आप आलू डाल सकते हैं, जिसको कम स्टफिंग चाहिए वो कम आलू यूज कर ले, ठीक है। इस तरह से आपने बना लिया है, इसको बेल लेना है अब आपने। बस ठीक है, ये देखिए अब ये बेल चुका है, ठीक है, अच्छे से राउंड शेप्ड है। यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसे तवे पे सेक लेते हैं। जब गोल्डन ब्राउन होने का वेट करना है, जब एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो दूसरी साइड करनी है। इसमें लगभग आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोनों साइड से, दूसरी साइड पे पलट के देख लीजिए। यस, अभी बिल्कुल तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे। गैस बंद कर दे रही हूँ। देखिए आपका ये आलू नान बिल्कुल रेडी है। इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर छोलों के साथ खा सकते हैं। कैसी लगी आपकी हमारा ये रेसिपी हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सजेशन लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।